दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं कुछ बड़ी मूवियों की, जैसे कि आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले आई थी, यानी कुछ दिन नहीं, काफी दिन पहले एक मूवी आई थी जिसमें कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी हमें नजर आई थी। हेमा मालिनी हमें बसंती के रोल में नजर आई। उस मूवी को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग तो समझ ही गएंगे हम कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं। उस मूवी को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर उस मूवी में हमें सलमान खान एंड शाहरुख खान नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, हेमा मालिनी की बात करूं, तो वो लोग उतनी परफेक्ट एक्टिंग इतने समय भी नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों को रिविस्ट करके सलमान खान एंड शाहरुख खान के द्वारा हमारे सामने इस मूवी को दोबारा पेश की जा रही है। गब्बर भी इस मूवी में नजर आएंगे, लेकिन गब्बर के रोल में कौन नजर आएगा इस चीज को बताएंगे तो थोड़ा आप लोग शॉकिंग जरूर हो जाएंगे। शायद गब्बर के रोल में सनी देओल नजर आ सकते हैं इस मूवी में, जो कि यानी कि बसंती के रोल में हेमा मालिनी नजर आई थी, तो वहां पर उस जगह पर कैटरीना कैफ को किया जाएगा। ये चीज यानी कपिल शर्मा में बात को उठाया गया था, लेकिन वहां से यानी कि क्या हुआ, 2 साल पहले उठाया गया था, लेकिन वहां से क्या हुआ, इस मूवी को दोबारा करने के लिए कोई भी डायरेक्टर आगे नहीं आया। शायद कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से शायद इस मूवी को करने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन उम्मीद है ऐसी मूवियों को दोबारा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी इतनी हिट मूवियां हैं कि अगर इस मूवी को बनाते हैं मेकर्स तो पैसा उनका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सिर्फ अपने नाम के ब्रांड पर पूरा पैसा छाप के चली जाएंगी। उनका नाम ही इतना काफी है कि ऐसी मूवी को छापने के लिए ब्रांड। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, हमें छोटे से कमेंट में बड़ी सी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, वंदे मातरम, जय।